हेलो फ्रेंड्स, मैं कुदर पाटीदार, मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल पेश करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि अभी रीट या चिकर 618/2013 के अंतर्गत जो एक प्रपत्र विभाग ने जारी किया है, शिक्षा विभाग ने, तो उसके बारे में बताऊंगा कि उसको ऑनलाइन फीडअप कैसे किया जाएगा। तो उसके में जो अपने MDM का जो प्रपत्र है वो 3 परतों में है, 3 पार्ट हैं उसके, पार्ट ऑफ रिफंड, और उसको ऑनलाइन जो उनको एसेस करना है, जहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो स्कूल्स हैं जिनमें MDM चलता है, MDM संचालित स्कूल हैं, उनमें इनको उसमें इसको ऑनलाइन करना है। तो उसके लिए मैं आपको ऑफलाइन जो मेथड है उसका, ऑफलाइन में नहीं करना है, इसको ऑनलाइन ही करना है, वो आपको मैं बताऊँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्रपत्र आपको इस तरीके का ऑनलाइन, जैसे ही आप उसमें यूज़र आईडी और आपका डाइस कोड जो है, यूज़र आईडी में डाइस कोड है और आपका जो पासवर्ड है वो विभाग ने जो जारी किया है, उसके अंतर्गत आप उसको ऑनलाइन खोलने के बाद में स्कूल वाइज जो चार्ट है उसमें इस तरीके से ये प्रपत्र यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो स्कूल है उसमें किस तरीके से, मतलब 1-5 है या 1-8 है या सीनियर स्कूल है। तो जैसे ही आप इसको राइट करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल जो है वो आपका 1-8 हो तो 1-8 लिखेंगे यहाँ पर रिमार्क में, और यहाँ पर बच्चों के जो आपके स्कूल में ऑल स्टूडेंट है, जैसे सीनियर स्कूल है आपका, तो सीनियर स्कूल में जितने बच्चे हैं, जैसे मान लो 500 स्टूडेंट है, तो 1 से 8 के स्टूडेंट ही जिनमें होशियार, जिनमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही बच्चों का डेटा उसमें भरा जाएगा। उसके बाद में मेन पॉइंट है उसमें दूसरा है फूड ग्रांट की, फूड ग्रांट की क्या स्थिति है, जो पक्का हुआ भोजन अपन देते हैं उसमें जो कच्ची सामग्री आती है जैसे गेहूँ चावल है, तो वहाँ अपन को कहाँ से लेते हैं, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार अपन को FCI से इशू होता है, तो FCI से लेते हैं अपन, न कि इसको रिटेल प्राइस के शॉप से भी खरीदा नहीं जाता था इसको, तो उसको अपन है वो FCI गोडाउन, यहाँ पर FCI और यहाँ पर रिमार्क में FCI गोडाउन से लेते हैं अपन। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है इसमें कुकिंग ऑफ मील्स, यानी कि जो अपन किस मात्रा में इसको, कितनी मात्रा में कैलोरीज देते हैं, जैसे इसमें मुख्य पॉइंट है कुकिंग ऑफ मील्स, तीसरा पॉइंट है तो हाउ एंड क्वालिटी कुक मील एंड पार्टिकुलर एडिशनल ऑफ अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह जो अपन देते हैं, उसके बाद में 1-5 में कितनी मात्रा में कैलोरी देते हैं, और जैसे 1-8 में है वो 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम है, तो 1-5 में है वो 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम है। तो इस तरीके से अपन जो उसमें भोजन जो देते हैं तो उसके अनुसार अपन किस टाइप से उसको मैनेज करेंगे। तो इसके बारे में कुकिंग ऑफ मील्स तीसरा पॉइंट है उसमें आपको 7 पॉइंट तक आपको इसकी डिटेल भरनी है। यहाँ पर स्टेटस में वही लिखा जाएगा और रिमार्क यहाँ पर आपको छोटे से टिप्पणी के रूप में यस या नो या गुड जो भी है आपका एज ए सूट होता है वो यहाँ पर आपको शो करना है। उसके बाद में है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो मॉनिटरिंग कौन करना आता है, चौथा जो पॉइंट है उसमें मॉनिटरिंग, यानी कि स्कूल में मॉनिटरिंग कौन करने आता है। मॉनिटरिंग जिले से अपर अधिकारी भी आ जाते हैं, उसके बाद पंचायत बॉडी भी आती है, कभी कभी पंचायत बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं और अदरवाइज पेरेंट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी बच्चों के अपने SNC जो सदस्य होते हैं वो भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको भी राइट्स है। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग के बारे में जो लोग अपने वहाँ पर जो आते हैं तो उसके बारे में अपन को यहाँ पर इस प्रपत्र में शो करना है। और जो 5वां पॉइंट है इसमें, 5th पॉइंट, इंस्पेक्टरेट एंड किचन कम स्टोरेज बिन्स एंड यूटेंसिल्स वाटर फ्यूल,
तो मतलब इसमें बताया जाएगा कि मतलब जो किचन है वो आपका किस टाइप का बना हुआ है, जैसे किचन है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार बना हुआ है, और उसके बाद में जो राजस्व से है जो मतलब, या फिर अपने पंचायत बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ है या किसके द्वारा बना हुआ है, और उसके अलावा बनाने के बाद भी उसके जो मतलब उसकी साइज़ कितनी है, किस साइज टाइप का बना हुआ है। तो एक ही साइज़ होती है किचन सेट की, एक ही साइज़ होती है उस टाइप का बना हुआ होता है। तो इसके बारे में किचन सेट में आपको एक किचन की स्थिति शो करनी है। उसके बाद में है उसमें 12 पॉइंट बताए हुए हैं, तो 12 पॉइंट तक आपको यहाँ पर उसमें किचन शेड की में जो है वो अपनी एंट्री फिलअप करनी है। मतलब किचन शेड में जो बच्चे मतलब क्या, उसके बाद में उसमें इतने भी पॉइंट हैं कि वेदर स्कूल सेंटर एंड पूसा किचन कम स्टोर, जैसे मतलब जो अपना होता है सेंट्रलाइज भी होता है, तो अपने यहाँ सेंट्रलाइज नहीं है बट जियो भी, तो जियो के अनुसार अपना जो किचन सेट बना हुआ था, वेदर द स्कूल सेंटर है जो फंक्शनल है, वाटर फैसिलिटी उसमें पानी की क्या सुविधा है, बच्चों के लिए जगह जगह पर अपन मतलब ज़्यादा बच्चे होने पर अपन 2-3 काउंटर लगा देते हैं, 2-4 सोप रख देते हैं, साबुन रख देते हैं, बाल्टी तौलिया रख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है इसमें। उसके बाद में है छठा है इंस्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी कितनी है, मतलब क्या कैपेसिटी उसकी, और उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, कुक्स करता है या कोई विलेज एजुकेशनल कमेटी होती है वो बनाती है, या उसके बाद में स्टीयरिंग मॉनिटरिंग कमेटी या MTA मीटिंग जो PTA ऑर्गेन करते हैं उसके सदस्य हैं, तो उसके बारे में छठे पॉइंट में आपको ये दो ही पॉइंट है इसमें, छठे में 6.1 एंड 6.2। तो उसके बाद में 7 आता है रोल ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर का क्या रोल रहता है, जो MDM इंचार्ज होता है उसके अलावा भी टीचर का उसमें क्या रोल होता है, तो टीचर को अपन को ये सारी इसमें शो करना है। वैसे खाना तो कुक में हेल्पर बनाते हैं, और उसके बाद में कुक में हेल्पर जो होता है इन्हें सर्विस एंड ट्रेनिंग टीचर्स अंदर SSC अपन ट्रेनिंग में भी जाते हैं, उसके लिए SSC की ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें भी अपन पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद में 8वां पॉइंट आता है कुक्स का, कुक्स की क्या इसमें अवेलेबिलिटी है, तो कुक्स जो होता है कुक का हेल्पर होता है, उसके अलावा उसके अनुसार ही भोजन बनाया जाता है। नॉट NGO एंड मदर ग्रुप्स होते हैं, जो एनी अदर कोई ग्रुप होते हैं, जैसे संस्थाएँ चलती है, समिति चलती है, तो उसके द्वारा कोई भोजन अपन को बनाया नहीं जाता है, और जहाँ तक वो कुक कम हेल्पर ही भोजन बनाता है वही सर्व करता है। अपन को केवल इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को उचित मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए, और उसकी मात्रा जो कैपेसिटी है जैसे उसके बारे में साफ सफाई का भी अपन को ध्यान रखना अपना अपना जो दायित्व है वो है, और उसका दायित्व भी वही बनता है जो उसको उसके नॉर्म्स में आता है। तो NGO एंड मदर ग्रुप्स और एनी अदर इससे अपना भोजन नहीं बनता, बल्कि कुक का मेल पर ही अपना भोजन बनाता है। एंड वेदर NGO इज इन्वॉल्व इन में स्पेसिफिक वेदर सिलेक्शन एंड अकाउंटेंट कोऑर्डिनेट एंड करेक्ट लाइन और MDM इसकी, और जो कुक का हेल्पर होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट होता है उस मामले में, पूरी तरह से मतलब वो उसको कभी कभी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं तो वो लोग जाते भी हैं, तो उसको भी अपन को यस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुक हेल्पर्स मतलब कुक कम हेल्पर कितने हैं अपने स्कूल में, कितने बनाते हैं, जैसे 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको शो करनी है। उसके बाद में है अकॉर्डिंग कुक्स एंड हेल्पर्स गिवन ट्रेनिंग इन 15 डेज, तो मतलब कुक कम हेल्पर कभी कभी ट्रेनिंग में भी जाते हैं, तो उसके बारे में भी अपन को बताना है। एंड रिमेनिंग द बे बिगन गिवन एंड वन ऑर्गेनाइज एंड हेड कुक एंड कुक एंड हेल्पर, तो ये 2-3 तरह के जो भी हैं उसमें पॉइंट है, 8 पॉइंट है इसमें, तो इसका अपन को इसमें भरना भी। और स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग एंड कमेटी, अब मॉनिटरिंग करने कमेटी भी आती है, उसके अब जो SMC कमेटी चलती है, SDMC कमेटी चलती है, तो 1-8 में जैसे 1-5 में SMC, 1-8 में SMC चलती है, और अपर स्कूलों में जो होती है वो SDMC चलती है। उसके बाद में मोबिलाइजेशन ऑफ मॉडल मदर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कूल लीडिंग बॉडीज, मोबिलाइजेशन मदर्स
एंड मतलब जो अपने यहाँ पर जो कमेटी आती है वो किस तरीके से अपने उसका जांच और कार्य का मूल्यांकन करती है, जैसे भोजन को चखना होता है उसके बारे में, उसके मात्रा में जो अपन सारी चीज़ मेंटेन करते हैं वो भी पूरी तरह से होनी चाहिए। वेदर आर मैग्नेशियम एस एंड मदर टनी स्केप। उसके बाद में 11 पॉइंट एक्सटर्नल इवेल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम, और लास्ट में जो आ जाता है यहाँ पर आपके द्वारा जो घोषणा की जाएगी कि जैसे मैं आपका नाम यहाँ पर आएगा जो MDM इंचार्ज है, और उसके बाद में दूसरा उसमें ब्लॉक आएगा उसमें आपका जैसे यहाँ पर तो आपका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका पद आएगा और आपका थर्ड पॉइंट में मोबाइल नंबर और उसमें आपका लिखा जाएगा। जैसे आप MDM इंचार्ज हैं तो MDM इंचार्ज सेकंड पद में लिखेंगे और उसके बाद में जो है वो आप अदरवाइज जो है आपका उसमें आप लिखेंगे मोबाइल नंबर। और एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी भरी गई है वो पूर्णतया सही है, और गलत पाए जाने पर मैं स्वयं इसका उत्तरदायित्व रहूँगा। उसके बाद में आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके पहले आपको सेव टू ड्राइव करना है, क्योंकि उस अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो भी उसके पहले कर देते हैं। जब फाइनल सबमिशन हो गया तो उसके बाद में एडिट करना संभव नहीं है। तो आपको जो मैंने बताया है ये तीनों प्रपत्र इस तरीके से आपको ऑनलाइन फिट करने हैं। जिन जिन स्कूलों में MDM चल रहा है उनको ज़रूरी है करना ये। और ये कुछ साथियों ने बोला कि थोड़ा इसको इस तरीके से आप गाइडेंस कर दो, गाइड कर दो ताकि ये ऑनलाइन हो जाए। मेरा प्रयास कभी महीने भर से चल रहा था कि मैं मतलब इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप मतलब शिक्षा विभाग के समझ टीचर जो होते हैं उनको लाभान्वित हुए, तो इसके लिए मैंने ये थोड़े ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइज किए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अभी तक नहीं किया होगा उसमें आपने जो आप जैसे ही मेरा वीडियो चालू करेंगे ट्यूटोरियल चालू करेंगे तो उसमें यहाँ पर राइट साइड में एक बटन दिया हुआ है सब्सक्राइबर लाल रंग का, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में घंटी बटन दिया हुआ है तो ताकि आपको नए मेरे जो भी ट्यूटोरियल आएंगे शिक्षा विभाग के ट्यूटोरियल मैं जारी करता हूँ तो उसके बारे में आपको बहुत जल्द जानकारी होगी और वह जानकारी आपको अधिक से अधिक प्राप्त होती रहेगी। तो थैंक्स दोस्तों, ऑल आर